हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम हमने किया था ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे एसिडिक करेक्टर होता है कि कितना जल्दी ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और हमने किया था कि जो एसिडिक करेक्टर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि जो साइज है ग्रुप 16 एलिमेंट का इंक्रीज होता है, तो ओवरलैप बिटवीन हाइड्राइड आयन और ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीज होती है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड, हाँ जी, ग्रुप 16 हाइड्राइड है हमारे पास H2O, H2S, H2SE, H2TE। डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करता हूं, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस, साइज है इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्राइड आयन एंड ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेस, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इजिली डिसोसिएट हो जाएगी बॉन्ड, लिख सकते हैं इजिली डिसोसिएशन ऑफ ईएच बॉन्ड टेक्स प्लेस, ठीक है, इजिली डिसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, क्लियर, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। नेक्स्ट हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। देखिए, जो रिड्यूसिंग पावर होती है कि कितना रिड्यूस हो सकता है, टेंडेंसी टू रिड्यूस, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी। तो मैं बोल सकता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी, तो रिड्यूसिंग पावर उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्राइड आयन और ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीज होगी, और ओवरलैपिंग अगर कम है तो इसलिए वो इजिली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और इजिली डिसोसिएट हो गया तो उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन
हाँ जी, जो ग्रुप 16 एलिमेंट है जैसे सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाई ऑक्साइड बनाते हैं SO2, और ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं जैसे SO2। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाई ऑक्साइड से। डाई ऑक्साइड EO2, ई मीन्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स। लिब्रेशन हम करते हैं, जो सल्फर है ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑक्सीडाइज होकर SO2 बनाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर SO2 बनाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सल्फर थ्योरी, SO2 है लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम 6 माइनस चार्ज ऑन द सराउंडिंग एटम बाय 2। इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एटम अटैच होंगे 2, तो स्टीरिक नंबर होगा लोन पेयर प्लस एटम अटैच 3, या फिर इसको बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, एक लोन पेयर इसके पास होगा और जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है उनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 119 डिग्री, 119 डिग्री इनके बीच एंगल। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर या सल्फर जो ऑक्साइड्स है वो पी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं और पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है, पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड हम कैसे शो कर सकते हैं। हाँ जी, सल्फर है थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सल्फर होगा 3s2 3p4 3s2 3p4 और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है। क्लियर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब ट्रांसफर होगी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन आया है 3s2 जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लाई करेगा पी ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन लाई करेगा डी ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 2s2 और 2p4 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2s2 2p4 2p4। हाँ जी, तो मैं इसमें देख सकता हूं ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है पी पाई भी और पी पाई डी पाई। क्लियर, चार बॉन्ड बन रही है हमारे पास, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक मल्टीपल बॉन्ड होगी, एक ऑक्सीजन के पास जिसको मैं बोल सकता हूं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, दूसरी डी ऑर्बिटल के साथ जिसको मैं बोल सकता हूं पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड।
क्योंकि हमें पता है सेम चांसेस है कि जो पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनी है वो ये ऑक्सीजन भी बढ़ा सकते हैं, तो इसका रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर मैं लिख सकता हूं। सल्फर ये भी बढ़ा सकता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन जो दूसरा ऑक्सीजन है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका, लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड करेक्टर घूम रहा है, या पी पाई पी डी पाई करेक्टर घूम रहा है दोनों ऑक्सीजन से। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है सिलीनियम डाइऑक्साइड SeO2। सिलीनियम डाइऑक्साइड SeO2 व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और जो गैसीय स्टेट है इसकी उसमें यह एग्जिस्ट करता है मोनोमेरिक फॉर्म में। गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर। मोनोमेरिक फॉर्म सिलीनियम ऑक्साइड की यह होगी, एक लॉन्ग पेयर होगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। हाँ जी, लेकिन जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन लीनियर चेन, इन इसके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो लीनियरली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलीनियम है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, पॉलीमेरिक फॉर्म इसकी इस तरह से एडजस्ट करती है। तैयार, हाँ जी, हम देख भी सकते हैं सिलीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4+4, दो तोड़ा तो +2, एक तोड़ा तो +1, क्योंकि सिलीनियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन से, एक तोड़ा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड बेस करेक्टर। एसिड बेस करेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड्स, एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स, आपने पढ़ा है जो ओजो एसिड्स है उनकी एसिडिटी हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं SO2 रिएक्ट विद H2O गिव्स सल्फ्यूरस एसिड, SO2 रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो ये देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, मतलब एक में से एक ऑक्सीजन कम कर रहा है, सल्फ्यूरस एसिड देता है, और जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है SeO2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो देता है सिलीनियस एसिड रिएक्ट विद H2O, तो ये देगा H2SeO3 सिलीनियस एसिड, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में
आइसोलेट नहीं हो सकता, मींस आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड है TiO2, वो इंसोल्युबल होता है वाटर में, इंसोल्युबल इन वाटर, इंसोल्युबल होगा वाटर। और जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है SO2 की, SeO2, TeO2 की, डाउन द ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो देखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सिलिनियम, टेलीनियम। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सल्फर कर सकता है, क्योंकि इसका होमोलोगो गैप क्या होता है? कम होता है। और मुझे पता है जो एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है होमोलोगो गैप के। होमोलोगो गैप सल्फर ऑक्सीजन का कम है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एसिडिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिग्रीज होगी। क्लियर है? ग्रुप 16 डाइऑक्साइड्स की जो एसिडिटी है वो डाउन द ग्रुप डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। हाँ जी, सल्फर है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे सल्फर प्लस फोर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और प्लस सिक्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन सल्फर की जो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी और प्लस फोर की इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं SO2 प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एक्ट करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जब कौन होते हैं? जो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, है ना। सल्फर प्लस सिक्स में ज्यादा स्टेबल है तो ये प्लस सिक्स में जाना चाहेगा, तो इसलिए ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस सिक्स चला जाएगा। लेकिन हमें पता है डाउन द ग्रुप प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, प्लस सिक्स डिक्रीज होती है और प्लस फोर इंक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे वीक क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है डाउन द ग्रुप, तो घटेगी क्योंकि प्लस सिक्स में नहीं जाना चाहिए, तो ये सबसे अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं बोल सकता हूं जो अपर पार्ट है सल्फर डाइऑक्साइड वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्गनेस है, वो कम होती है। ठीक है, और नीचे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्लियर, तो ये थी इसकी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।